15 अप्रैल को जिले में पंचायत चुनाव होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। 14 अप्रैल को पोलिंग पार्टी अपने मतदान स्थल पर रवाना होंगी और 15 अप्रैल को मतदान संपन्न कराएंगी। पोलिंग पार्टियों के लिए मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की गई है। मतदान संपन्न कराकर पोलिंग पार्टियां मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में जमा कराकर वापस अपने गंतव्य को रवाना होंगी। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस ने कहा कि सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी कार्मिक बूथों पर पहुंचकर मतदान संपन्न कराएंगे। एडीएम फाइनेंस ने कहा कि अगर कोई कार्मिक अनुपस्थित होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में 15 को मतदान होना है। हमारे जनपद की सभी पोलिंग पार्टियां, हमारे 20 विकास खंड हैं, वहां से रवाना होनी है। मैं सभी जो मतदान कार्मिक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं, उनका आह्वान करता हूं और उन्हें उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे कल सुबह प्रातःकाल 9 बजे तक अपने अपने जो जो उनको आवंटित किया गया है ब्लॉक, वहाँ पर समय से पहुँच जाएंगे और इसके बाद जो उनको बूथ अलॉट होगा फिर बूथ पर जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि ऐसा कोई मतदान कार्मिक जो जानबूझकर ड्यूटी से एब्सेंट रहेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां जाएंगी तो उनके लिए क्या वहाँ व्यवस्था की है? सभी पोलिंग पार्टियों को जो निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमन्य किया गया है वो धनराशि सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी धनराशि से उनको अपना भोजन आदि का व्यय करना है। वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। किसी प्रकार के सहयोग के लिए ब्लॉक के कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। सर, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये वोटिंग कराएंगे? ये मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर के सायंकाल 6 बजे तक होगा। मतपेटियाँ कहाँ पर जमा? मतपेटिकाएँ जो बस गई हुई है, सभी कार्मिकों को जब ब्लॉक से वो अपने रवाना हो रहे होंगे तो उनको मालूम रहेगा कि लौट करके जहाँ पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है जिस भी विद्यालय में, उस विद्यालय में लौट करके वो बैलेट बॉक्स जमा किए जाएंगे। सर, अगर कोई कार्मिक मतदान स्थल पर नहीं पहुँचता है उस समय तो क्या इमरजेंसी कर्मी रखे गए हैं? कार्मिक रिजर्व में कार्मिक रखे गए हैं, परंतु मेरा उन सभी से अनुरोध है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वे अवश्य पहुँचे, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई होगी। जो पोलिंग पार्टियां हैं हमारे, जो इतने 20 ब्लॉक के बीडीओ ऑफिसेज हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, वहां से रवाना होगी और जिसके संदर्भ में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज जो पूरे का पूरा जो पोलिंग मटेरियल है वो पूरा पैक कर लिया गया है। कल को पोलिंग पार्टियां रवाना होगी, उनके लिए जो भी हमें बैरिकेडिंग करनी थी और जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम और जो सिस्टम थे वो सारे पुट इन प्लेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस की एक साथ ब्रीफिंग डीएम सर और एसएसपी सर द्वारा कर दी गई है, जो 2 से 4 बजे की गई है। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियों की व्यवस्था थी वो भी कर ली गई है। 15 को जब चुनाव करा के पोलिंग पार्टियां वापस आएंगी तो उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो उसकी इंस्पेक्शन मेरे द्वारा, डीएम सर द्वारा और बीडीओज द्वारा, एसडीएम द्वारा कर ली गई है, उसमें भी पूरी व्यवस्था करा दी गई। सर, मतस्थलों पे, मतदान केंद्रों पे पोलिंग पार्टियों ने क्या व्यवस्था की? हाँ, मतदान स्थलों में पहले तो कोविड को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन किया गया है, साथ साथ एक किट दी गई है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था, जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है वो 4 स्तर पर चेक करके जहाँ जहाँ कमी पाई गई थी वो भी पूर्ण करा दी। सर, मतदान का समय 7 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, तो अगर मतदाता लाइन में लगे हैं तो क्या उनका वोटिंग कराया जाएगा? हाँ, करवाया जाएगा, जिससे उसमें जो भी नियम राज्य सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए हैं उसका अनुपालन किया जाएगा। अगर लास्ट में कोई बचता है तो वो एक वहाँ पे जितने भी लोग बचेंगे उनको सबको स्लिप दे के अंदर कर लिया जाता है और सबको जो मतदान का हक है सबका पूर्ण किया जाएगा। फिर मतपेटियाँ कहाँ रखी? हाँ, जो मतपेटियाँ जब वापस आएंगी तो निर्धारित डीएम साहब द्वारा ऑर्डर किया गया है वो जो मतदान जो स्ट्रॉन्ग रूम है जहाँ बनाए गए हैं, जो नोटिफाइड है वहीं रखी है और पूरी सिक्योरिटी के साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ लगा दिए गए।